चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर कि बेसिकली अगर पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस के अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं, एक छोटी सी रिवीजन हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पर बेसिकली हम जनरली जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें हमें बोला जाता है कि हमें डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, जनरली ये हमारे क्वेश्चन में होता है। अब डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आती हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो भी डिजीज्ड पार्टनर है, जो भी उसकी बैलेंस कैपिटल अपीयर कर रही है, वो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बैलेंस बीडी। जो भी कैपिटल अपीयर कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, लास्ट बैलेंस शीट के अंदर, वो हम ट्रांसफर करते हैं डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्या है ये? कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट। ये क्या होता है कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट? अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज आपने जो बैलेंस शीट बनाई थी लास्ट, वो बनाई थी 31 मार्च 2016 को। ऑन 31 मार्च 2016 आपने बैलेंस शीट बनाई थी और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि तीन पार्टनर थे इसमें ए बी सी। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि सी डाइड ऑन 30 मई 2016। तो अगर पार्टनर की डेथ 30 मई 2016 को हो गई तो आपने लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को बनाई थी, तो जो सी की कैपिटल दिख रही है लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से, वो आपने कर दिया बैलेंस बीडी। सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, उसके बाद जो हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर, दैट इज शेयर इन रिजर्व्स। क्योंकि पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो जितना भी पार्टनर का शेयर बनता है रिजर्व्स के अंदर, वो सारा का सारा हम पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं। दिस इज व्हाट, शेयर इन रिजर्व्स। और ये शेयर इन रिजर्व्स जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? रिजर्व्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट मल्टीप्लाई बाय डिजीज्ड पार्टनर शेयर। जो भी जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो भी शेयर था उससे हम इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम पार्टनर को देते हैं, दैट इज शेयर इन गुडविल। ध्यान से देखिए एक चीज। नेक्स्ट चीज जिसको हम बात करते हैं, दैट इज शेयर इन गुडविल। अब ये जो शेयर इन गुडविल मैं लिख रहा हूं, शेयर इन गुडविल कौन देगा पार्टनर्स को? ये देंगे गेनिंग पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हुई गई है उसका शेयर जो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, उसका शेयर जो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, वो गेनिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल देंगे किसको? शेयर, बेशक आप इसे यहां से हटा दीजिए, यहां लिख देते हैं हम शेयर इन गुडविल। अब ये शेयर इन गुडविल जो होता है ये किस तरीके से निकलता है, ध्यान से देखिए। जो भी गुडविल है फर्म की, जो भी गुडविल है फर्म की, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर। जो भी गुडविल है फर्म की उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं डिजीज्ड पार्टनर शेयर से। गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के आपको पता है ब्रॉडली आपके पास तीन मेथड्स होते हैं। वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन मेथड आपके पास होते हैं आपको पता है गुडविल निकालने के, जो कि आप मेरे साथ ऑलरेडी सीख चुके हैं गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जो भी गुडविल ऑफ फर्म होता है मल्टीप्लाई बाय डिजीज्ड पार्टनर शेयर, और ये जो मल्टीप्लाई बाय डिजीज्ड पार्टनर शेयर है, ये शेयर इन गुडविल कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। कोई एक पार्टनर देंगे दैट विल बी गेनिंग पार्टनर्स। हाँ, अगर एक ही गेनिंग पार्टनर है तो उस केस में एक हो सकता है। अब
जब हम गुडविल देते हैं तो इसकी एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं यहां पर, डिजीज्ड पार्टनर। तो अगर हम इसकी एंट्री भी देखना चाहें तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है जी। चलिए, हमने ओपनिंग कैपिटल दे दिया, रिजर्व दे दिया, शेयर दे दिया गुडविल के अंदर। इसके बाद हम अप्रोप्रिएशंस देना शुरू करते हैं। अप्रोप्रिएशन के अंदर जो सबसे पहली अप्रोप्रिएशन मेरे पास आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मेंशन है, स्पेसिफाइड है, तो आपको प्रोवाइड करना है क्या, आपको प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कंप्यूट किस तरीके से होता है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, जो भी ओपनिंग कैपिटल है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। और ओपनिंग कैपिटल पे हम किस तरीके से इंटरेस्ट देते हैं, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। बट एक बात ध्यान रखिए, सपोज 100,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल और 10% रेट है, तो 100,000 × 10% नहीं करना आपको। देखिए, पार्टनर कब तक फर्म के अंदर सर्वाइव कर रहा था, पार्टनर सर्वाइव कर रहा था 30 मई तक, तो आपको 31 मार्च से सिर्फ 30 मई तक का इंटरेस्ट पे करना है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो नीचे लिया मैंने 12 या 365 अगर वो डेज के अंदर आता है तो, और ऊपर हम क्या लेते हैं बताओ, इसके अंदर हम लेते हैं पीरियड बिटवीन लास्ट बैलेंस शीट डेट एंड अप टू डेट ऑफ डेथ। वो पीरियड जो लाए करता है लास्ट बैलेंस शीट एंड अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसके एयर में हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये भी आपने मेरे साथ देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें किस तरीके से कंप्यूट करना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज जो हमें पार्टनर को देनी होती है, इसमें शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जिसको हम लिखते हैं, दैट इज शेयर इन प्रॉफिट्स। अब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखते हैं, अगर आपको याद हो, हम इसलिए लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे इस डेट पे जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है। जिस दिन हम अपने फाइनेंशियल्स क्लोज कर रहे होते हैं उस दिन हमारा पीएनएल और बैलेंस शीट बनता है, क्योंकि हम 30 मई को फाइनेंशियल्स क्लोज नहीं कर रहे हैं, हमें इन बिटवीन पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट देना पड़ गया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पीएनएल अकाउंट हम क्या लिखते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। अब ये जो शेयर इन प्रॉफिट निकलता है इसको किस तरीके से निकाला जाता है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, फिर रिजर्व दिया, फिर आपने क्या दिया, शेयर इन गुडविल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल सस्पेंस। क्वेश्चन के अंदर अगर सैलरी के बारे में कुछ बोला गया है, कमीशन के बारे में कुछ बोला गया है, तो वो भी आप पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद अगर पार्टनर की किसी भी तरह की कोई ड्रॉइंग्स थी तो उस पे आप क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर किसी भी तरह की कोई ड्रॉइंग्स थी तो हम उस पे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट। और ड्रॉइंग से पार्टनर की कैपिटल भी क्या हो जाती है, कम, ठीक है जी। ये मैक्सिमम आइटम्स आपको देखने को मिलती हैं डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहां पर क्या होता है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि हमने डिजीज्ड पार्टनर को इतनी पेमेंट कर दी या उतना लोन में ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप ये बात ध्यान रखिए, ये जो डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, चाहे वो क्वेश्चन में बोले पेमेंट करी, पेमेंट नहीं करी, पार्ट पेमेंट करी, सब कुछ इमेटीरियल है। ये जो भी डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है इसमें उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती, ये एज इट इज हम ट्रांसफर कर देते हैं डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर
अकाउंट में, जो भी ये बैलेंस है ये सीधा का सीधा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। और इसके बाद हम बनाएंगे डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसके अंदर हम जो एग्जीक्यूटर है उसको पेमेंट करते हैं। इस अकाउंट के अंदर पेमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। चलिए इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप पहले से नोट करिए फटाफट। अब मैं बात कर रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है, किस तरीके से शेयर इन प्रॉफिट्स दिए जाते हैं। ध्यान से देखिए, जब मैं बात करता हूं शेयर इन प्रॉफिट्स की, देखिए प्रॉफिट्स में शेयर देने का तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब ये सब क्या है, ध्यान से एक एक चीज आपको देखनी है। सपोज उसने आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया डिजीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल फॉर शेयर इन प्रॉफिट्स एंड सच प्रॉफिट्स विल बी एवरेज ऑफ पास्ट थ्री ईयर्स प्रॉफिट। पिछले तीन सालों के प्रॉफिट्स की एवरेज लेनी है और उसके बेसिस पे हम डिजीज्ड पार्टनर को शेयर देंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद जब एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे तो आप निकालेंगे शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। अब जब आप शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर निकालते हैं तो ये शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर किस तरीके से निकलता है, ये शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर आप किस तरीके से निकालते हैं, जो भी प्रॉफिट्स आए आपके, जो भी आपके एवरेज प्रॉफिट्स आए स्टेप वन में। देखो सबसे बड़ी चीज एक बात ध्यान रखो, ये जो एवरेज प्रॉफिट्स आए ये पूरे साल के प्रॉफिट है और हम डिजीज्ड पार्टनर को पूरे साल के प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं पीरियड बिटवीन लास्ट बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ डेथ। जो पीरियड आ रहा है लास्ट बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ डेथ तक का, डिवाइड बाय 12 से, ताकि इससे हमारे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आ सके। क्या सके, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स। अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ड प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ही लिखा हुआ है, कैलकुलेट करके दे रखा है, तो टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसने लिख दिया कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 इज दिस, तो वो प्रोपोर्शनेट का मतलब टाइम फैक्टर उसमें कंसिडर कर रखा है। ठीक है, अब इसको हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं फिर किससे, डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर से, और जो भी ये प्रॉफिट आते हैं वो फिर हम दे देते हैं किसको, पार्टनर को। ठीक है जी, अब इसके बाद एक तो ये हो गया कि उसने हमें बोला डिजीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल फॉर शेयर इन प्रॉफिट्स एंड सच प्रॉफिट्स विल बी एवरेज ऑफ पास्ट थ्री ईयर प्रॉफिट। कई बार जरूरी नहीं है कि वो पास्ट थ्री ईयर प्रॉफिट या पास्ट फोर ईयर बोले, वो सिर्फ ऐसे भी बोल सकता है आपको पास्ट ईयर प्रॉफिट। पास्ट ईयर प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ पास्ट ईयर प्रॉफिट लेने हैं तो इसका मतलब ओनली लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो भी आपके लास्ट ईयर प्रॉफिट है वो आपको लेने। समझ में आई बात। अच्छा इसके अंदर आप एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन नहीं होते,
बोल दिया उसने कि लास्ट ईयर प्रॉफिट पे देने, बट लास्ट ईयर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होते। और लास्ट ईयर प्रॉफिट वो इस तरीके से गिवन होते हैं कि जब आप बैलेंस शीट देख रहे हो जैसे 31 मार्च 16 की, तो यहां लिखा हुआ है पी एंड एल, तो एडजस्टमेंट लिखा हुआ था पार्टनर की जो डेथ है वो हुई है 30 मई को। तो बेसिकली अगर यहां पर भी पी एंड एल लिखा हुआ है 31 मार्च 2016 को लास्ट बैलेंस शीट के अंदर कुछ पी एंड एल आपको गिवन है, तो बेसिकली वो क्या दिखा रहा है, लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो जरूरी नहीं एडजस्टमेंट में गिवन हो सकता है वो बैलेंस शीट में भी आपको गिवन हो, बी केयरफुल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर किस तरीके से दे सकता है, उसने आपको बोल दिया प्रॉफिट्स ऑफ फर्म इज कंसिडर्ड 10% ऑफ टर्नओवर एंड टर्नओवर अप टू डेथ इज 10 लाख। प्रॉफिट्स हमें देने हैं 10% ऑफ द टर्नओवर, मतलब प्रॉफिट जो आते हैं फर्म के वो हम मानते हैं कि जो भी टर्नओवर हुई है उसका 10% है, और हमें टर्नओवर गिवन है कि अप टू द डेट ऑफ डेथ जो टर्नओवर हुई थी वो कितनी हुई थी, वो 10 लाख रुपए हुई थी। अब इस केस के अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, पहले आप इसे नोट कर लो फटाफट। देखिए ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बात आपको बड़ी स्ट्रिक्टली देखनी है कि आप जो प्रॉफिट्स निकालोगे कैसे निकालोगे, टर्नओवर अप टू डेथ मल्टीप्लाई बाय 10%, ये निकालोगे। ये जो प्रॉफिट्स आपके पास आए हैं ये प्रॉफिट्स नहीं है, ये आपके पास क्या आए हैं, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स। क्यों आए हैं प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, क्योंकि जो टर्नओवर आपको गिवन है वो कब तक का गिवन है, अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो शेयर इन प्रॉफिट्स यहां पर जो आपको निकालना है वो किस तरीके से निकालना है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर। ठीक है जी, तो टाइम फैक्टर आपको कब कंसीडर करना है, अगर मैं बात करूं कि टाइम फैक्टर वाली बातें कब कब आती है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, पी एंड एल सस्पेंस में भी आ सकती हैं, बट कब आएंगी, जब ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट निकल रहा हो। टर्नओवर के बेसिस पे अगर प्रोपोर्शनेट टर्नओवर गिवन है तो कंसीडर टाइम फैक्टर नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में भी आपके पास टाइम फैक्टर आ सकता है। ठीक है, सेम वे कमीशन या सैलरी भी आप निकाल रहे हैं तो इसमें टाइम फैक्टर वाली चीजें कौन सी, आप ये बात ध्यान रखना, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक पी एंड एल सस्पेंस, सैलरी एंड कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये चार चीजें जब आप निकाल रहे हैं, दोनों इंटरेस्ट, शेयर इन प्रॉफिट्स एंड सैलरी कमीशन, तो टाइम फैक्टर उसमें आपको कंसिडर करना है। गुडविल के केस में टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करना, रिजर्व्स के केस में टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो एक बड़ी ही छोटी सी समरी मैंने आपके सामने रखी है डेथ ऑफ पार्टनर की, कि डेथ के केस के अंदर क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं, एक क्विक रिविजन के फॉर्म ने हमें इसे देखा। अब मैं आपको इसके आगे बता रहा था कि सपोज आपने आपका अकाउंट क्लोज किया, जो भी बैलेंस आया आपने उसे कहां डाल दिया, डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर में। अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके अंदर डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर ये फिगर यहां पर ट्रांसफर होगी बाय द नेम ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फिगर आपके पास आ गई। देयर आफ्टर जो भी आप पेमेंट कर रहे हो बैंक से या कैश में वो आप पेमेंट करोगे। ये पेमेंट गलती से भी यहां पर मत कर देना आप, और यहां पर फिर आपका बचेगा जो बैलेंस, उसको बैलेंस सीड ही नहीं लिखना, उसको हम लिखते हैं डिजीज्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसको हम क्या लिखते हैं, डिजीज्ड पार्टनर्स
लोन अकाउंट, ठीक है जी। बैलेंस सीडी नहीं लिखना कहीं पर भी, जो भी पैसा आया वो पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, जो भी पेमेंट आपने करनी है एग्जीक्यूटर को करिए, और जो बाकी बच गया दैट विल बी टर्म्ड एज डिजीज्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर ये लोन अकाउंट की जो डिस्कशन है कि किस तरीके से लोन अकाउंट बनता है, ये बड़ी शॉर्टली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिवाइज करवाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले कि एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से उसकी सारी अकाउंटिंग की जाती है। सपोज देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, सी की डेथ हो जाती है, आप बनाते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं, इसमें आपने सब कुछ किया और जो भी यहां बैलेंस निकलता था वो आपने कर दिया सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आपने मेरी रिविजनरी वीडियो देख ली होगी जो मैंने डाल रखी है, उसमें हमने कुछ ऐसा ही किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो हम बनाते हैं सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसके अंदर मैंने यहां लिखा सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और जो भी मैंने उन्हें पेमेंट करी ऑन द स्पॉट वो हो गया आपका बैंक अकाउंट, ठीक है जी। और इसके बाद जो भी बैलेंस बच गया उसको मैंने लिखा सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये लोन अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनेगा अगर इसके बारे में आगे कुछ कहा जाता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज बता दूं जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर से ट्वेल्थ लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर इज अ सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या है सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932? ध्यान से देखिए, सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या कहता है कि जो भी डिजीज्ड पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट इमीडिएटली सेटल हो जाना चाहिए। अगर उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट आप इमीडिएटली सेटल नहीं करते हैं, सपोज यहां पर ही अमाउंट निकल के आएगी हमें 1 लाख रुपए देने, तो कायदे से 1 लाख रुपए हमें उसी समय पे कर देने चाहिए। बट अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो एग्जीक्यूटर का अकाउंट इमीडिएटली सेटल नहीं करते हैं, तो उस केस के अंदर जो सेक्शन 37 है वो हमारा अप्लाई हो जाता है। वो क्या कहता है कि दैट एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और शेयर इन प्रॉफिट्स इन कैपिटल रेशियो विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। मतलब सपोज पार्टनर की जो डेथ है वो हो गई 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2016 को पार्टनर की डेथ हो गई, आपने 30 सितंबर का उसका अकाउंट सेटल नहीं किया, आपने वो अकाउंट सेटल किया 31 मार्च को, तो जो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च का टाइम पीरियड है दैट इज 6 मंथ्स, उस दौरान जो एग्जीक्यूटर है या तो वो इंटरेस्ट लेगा अमाउंट पे 6% के हिसाब से, या पार्टनरशिप फर्म ने जितने प्रॉफिट्स कमाए हैं उस पीरियड के दौरान उस प्रॉफिट्स के अंदर हिस्सा मांग सकता है। कौन हिस्सा मांग सकता है? एग्जीक्यूटर मांग सकता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं मांगेगा, किस रेशियो के अंदर? कैपिटल रेशियो। और ये कैपिटल रेशियो जो होती है वो कौन सी होती है? ऑन द डेट ऑफ डेथ, ऑन द डेट ऑफ डेथ। और ये विच एवर इज हायर, मतलब दोनों में से जो हायर है वो डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को मिलेगा। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देखेंगे। अब मैं आपको लोन बताने जा रहा हूं कि लोन अकाउंट कैसे बनता है। ध्यान से देखिए, सपोज सी का कैपिटल है 1 लाख, हमने उन्हें 20,000 पे कर दिया, कितना बचा? 80,000। अब ये सेक्शन 37 जो मैंने आपको बताया, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ थ्योरी आप एक बार देख लें।
आपके सिलेबस में है लोन अकाउंट कैसे बनता है, ध्यान से देखिए कितना पे करना है हमें, 80,000। हमारे साथ एक डील हुई कि एग्जीक्यूटर को हम, एग्जीक्यूटर विल बी पेड अमाउंट इन टू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इक्वल ऑफ टू इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एग्जीक्यूटर जो है उसको दो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अमाउंट पे किया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% से। तो आपने क्या किया, ध्यान से देखिए आपने क्या किया, आपने बनाया सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है जी, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सॉरी सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सबसे पहले इसके अंदर जो सीज एग्जीक्यूटर से बैलेंस आया वो आपने लिख दिया यहां पर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना बैलेंस आया सर, ये बैलेंस आया 80,000 रुपए, दो इंस्टॉलमेंट्स में देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। मैं यहां पे लिख देता हूं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नाउ सी, अब 80,000 को अगर आप डिवाइड करें दो इंस्टॉलमेंट में कितनी आती है, 40,000 की, बट हमें इंटरेस्ट भी देना है। पहली इंस्टॉलमेंट अगर हम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली एक साल बाद दे रहे हैं, तो अब एक साल बाद अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो आपने चार्ज किया उस पर इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर 80,000 रुपए पे 10% से आप इंटरेस्ट बनाते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, 80,000 का 10% कितना, 8,000, यही होगा शो। तो आपने यहां पे लिखा इंटरेस्ट जो हमको देना है कितना देना है, 8,000, और जो हमने कैश पे किया वो कितना पे किया, वो हमने पे किया 40,000 रुपए की तो इंस्टॉलमेंट है और 8,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट है, तो हमने पे किया कितना, 48,000। तो अब जो बैलेंस रह गया सी के एग्जीक्यूटर के लोन का वो कितना रह गया, 40,000, कितना रह गया, 40,000। अब अगले साल दोबारा से ये सीडी जो है वो क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी कितना, 40,000, जिसपे हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, कितना इंटरेस्ट पे करेंगे बच्चों ध्यान से देखिए, 40,000 प्लस 4,000 क्यों बच्चे, क्योंकि अब 40,000 का अमाउंट ही रह गया तो हम इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे नहीं देंगे, जो बैलेंस ऑफ द लोन अमाउंट रह गया फॉर्म पे 40,000 रुपए का उस पे देंगे, और 10% कितना हो गया 40,000 का सर, 4,000 रुपए, ये ठीक है। तो आपने 4,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया, तो इसके बाद ये आपने कैश करके पे कर दिया। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये बात बस इसमें आपको ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ भी नहीं, मतलब इस पर जो मैंने इंटरेस्ट लिया दैट इज नॉट ऑन 80,000, दैट इज ऑन 40,000, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी पे आउट कर चुका हूं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि लोन अकाउंट एक छोटा सा किस तरीके से बना सकते हैं, कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, कैपिटल, फिर एग्जीक्यूटर, दिस इज फॉर इमीडिएट पेमेंट एंड फॉर लोन, यहां तक जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एक छोटी सी बात बताओ नहीं चाहिए, हाँ ये थ्योरी एक बार आप जरूर देख ले, ये एग्जाम में फायदेमंद हो सकती है। तो ओवरऑल डेथ आपका कवरअप होता है, एक 20 मिनट की वीडियो मैंने पहले आपको डेथ की दे रखी है सारी रिविजन की, प्लस एक ही छोटी सी वीडियो और। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चले अब हम लोन अकाउंट देखने जा रहे हैं, जब पेमेंट इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर हो रही है। बेसिकली आपने अभी जो वीडियो करी उसके अंदर क्या था कि 31 मार्च को ही बुक्स क्लोज हो रही है और 31 मार्च से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है, बट अगर सपोज बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को और हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है 30 जून को, तो किस तरीके से अकाउंटिंग होगी वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। लास्ट वीडियो और ये देख लिया आपने, मोर देन सफिशियंट है।
एक्स की डेथ हुई 30 जून 2018 को इन बैलेंस ड्यू टू एग्जीक्यूटर ₹3 लाख आउट ऑफ विच ₹1 लाख आर पेड इन कैश इमीडिएटली एंड बैलेंस इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। स्टार्ट होगा कब से? 30 जून 2019 से। पार्टनरशिप फॉर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है हर साल 31 मार्च को। तो सबसे पहले हम एक्स के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाएंगे, एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहां पर एक्स की कैपिटल से आएगा कितना, 3 लाख रुपए, हाँ या ना? कैश पे कर दिया जाएगा 1 लाख रुपए। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जो भी पे करना है एग्जीक्यूटर अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं पे करना। तो बाकी क्या हो जाएगा, एक्स एग्जीक्यूटर्स लोन कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, डेट आप डाल सकते हो सब में 30 जून। अब बनाते हैं एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बड़े आराम से रिलैक्स होके सारी चीजें समझनी है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। डेबिट क्रेडिट 2018 30 जून एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब बड़े आराम से आपको समझना है, ये 18-19 क्लोज हो जाएगा कब, 31 मार्च को, और फिर पेमेंट जो अगली होनी है वो होनी है 30/6/2019 को, मतलब 19-20 के अंदर। यस ओ नो शो? तो हमें क्या करना है, देखो जिस दिन ये क्लोज होगा 2019 31 मार्च बुक्स क्लोज करनी है, यस ओ नो? हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर लोन ये सब मिक्स हो गया, एक्स सी और यू, चलो भाई, इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर्स लो। अब 2 लाख का अमाउंट है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%। कितने महीने का, देखो 30/6 से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, ओनली 9 मंथ्स। तो अभी आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 9/12 कितना, 9 मंथ्स का 9/12 आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो दिस विल बी व्हाट, 15,000 पे नहीं किया अभी, सिर्फ ड्यू किया, क्योंकि देखो इतना इंटरेस्ट इसी साल ड्यू हो गया। तो ये आपका 2019 31 मार्च बैलेंस सीडी, हाउ मच, 2,15,000। इसके बाद 2019 1 अप्रैल बैलेंस बीडी 2,15,000। अब देखो 30 जून को पेमेंट करनी है, तो एक बार आप 30 जून को इंटरेस्ट निकाल लो, कितना, 30 जून इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर्स लोन कितना अमाउंट था, 2 लाख का 10%, 3 महीने के लिए आप निकालेंगे, कितना हो गया, 5,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है? अब आपको यहां पर पेमेंट करनी है 2019 30/6 को बैंक अकाउंट को, कितना, 50,000। तो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट्स में बोला है ना, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो 50,000 तो ये हो गया, और इंटरेस्ट कितना बना, 15,000 यहां था और 5,000 ये टोटल
20,000 रुपये, तो आपने 70,000 रुपये पे कर दिए। अब आपने 30/6 को जब रीपेमेंट कर दी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 50,000 का, बाकी 20,000 तो बेटा इंटरेस्ट क्या है ना, प्रिंसिपल आपने 50 पे किया, सो नाउ ऑनवर्ड्स यू विल चार्ज द इंटरेस्ट ऑन 1,50,000। वेरी गुड। 2020 31st March, इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर्स लोन, ठीक है। अब बेटा हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने पे होगा, बहुत बढ़िया 1.5 लाख रुपए पे चार्ज होगा, और कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। होपफुली आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। वेरी गुड, आ रही हैं समझ, तो आप 100 में से 100 लाने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। स्कूल टीचर कुछ भी बोले, कॉलेज टीचर कुछ भी बोले, ICA वाले, आप एलिजिबल हैं 11,250, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या निकालना है, बैलेंस CD कब, 2020 31 मार्च को आपका यहाँ बैलेंस CD निकल जाएगा, 215,000 जमा 5,000 जमा 11,250 माइनस 70,000, तो 1,61,250 रुपीज़ ये आपका आ गया, ठीक है। 2,31,250। अब यहाँ पर फिर 2020 आपने 1 अप्रैल को लिखा बैलेंस ब्रॉड डाउन 161,250, ठीक है। 30/6 को फिर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, क्योंकि वेरी गुड पेमेंट डेट आ गई सर। अरे होशियार बच्चे हैं मेरे, ऐसी थोड़ी ना इनकी तारीफें करता रहता हूँ मैं दुनिया भर में, 1.5 लाख खुश मत हो निकम्मो, तारीफ वर्ड बोल दिया तो लगाऊंगा भी 2 जूते, पढ़ो आराम से, खुश हो रहे हो। 1.5 लाख का 10% फॉर हाउ मैनी मंथ्स, 3 मंथ्स वी विल चार्ज, तो 1.5 लाख का 10% डिवाइड बाय 4, 3,750। तो यहाँ 2020 30 जून आई विल रिपेट हाउ मच अमाउंट, 50,000 वॉज द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज 11,250 का ये और 3,750 का ये। तो आप देखो इसमें, आप देखो इंटरेस्ट वही बन रहा है 15,000 रुपये। अगर आप देखो 2 लाख था, 50,000 आपने पे कर दिया, तो बचा है कितना 1.5 लाख, उस पर 10% पूरे साल का बन 50,000 ही रहा, बट वो 2 अकाउंटिंग ईयर्स में, सॉरी 15,000, तो वो जा 2 अकाउंटिंग ईयर में रहा, क्योंकि डेट्स डिफरेंट है, क्लियर। तो इस विल बी 65,000। फिर 2021 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर लोन कितना, यहां निकाल दूं पक्का, 1 लाख रुपए 10% 9 महीने के लिए, बहुत बड़ी है। कितना हो गया बेटा, 7,500 रुपये हो गया, और यहाँ पर 2021 31 मार्च बैलेंस CD आ जाएगा, कितना आएगा, 1,07,500 शायद, जी हाँ। आगे निकम्मो अपने आप भी करो अब आगे, इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया ही इसलिए, अब आधा मैंने करा दिया, चलो अपने आप करो फिर सॉल्यूशन देखना, वीडियो पॉज कर लो, चलो है जी। इत्थे आ गया अब 2021 1 अप्रैल बैलेंस BD 1,07,500,
30 जून इंटरेस्ट ऑन, मैं स्पीड बढ़ा दी ये सोच के कि आप लोगों को अब समझ में आ गया और आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन मैच कर रहा हूँ, उम्मीद में यही कर रहा हूँ, चीटिंग बाजी नहीं। हाँ देखो, 1 लाख का 10% ते 3 महीने, हाँ 2500, ठीक है, तो 2021 30/6 बैंक अकाउंट 50,000 तो वो था साढ़ा, प्रिंसिपल अमाउंट ते 10,000 हो गया इंटरेस्ट, ते टोटल हो गया 60,000 रुपये। चलो जी, फिर 2022 31 मार्च इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर लोन कितना बचा है प्रिंसिपल 50,000 ते 10% ते 9 महीने नाल 3750, तो इत्थे बच्चियां जी बैलेंस शीट डी 53750 31 मार्च 2022 60,000 जमा 53 से 1,13,750 2022 1 अप्रैल बैलेंस बीटी 53750 इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर लोन 50,000 10% 3 महीने ते 2500 2022 30/6 बैंक अकाउंट सर गलती करती ना, कुछ सोचने बैठ गया था मैं बैकेंड पे। 55,000 तो ये आपका लोन अकाउंट हुआ पूरा। तो अगर इन बिटवीन पेमेंट होती है तो कुछ नहीं है, बस उसे हमें दो चीजों में स्प्लिट करके चलना है और शायद आपको घबराने की जरूरत नहीं। होपफुली आपको ये पूरा लोन अकाउंट, मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया था और होपफुली आपको अब दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया है, किसी तरह का डाउट आपके दिमाग में अब इसके बाद नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर का जो है वो दी एंड होता है। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।